हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे अपने चैनल अपना बिहार गॉड में। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अगर आपको कुर्बानी के बकरे तैयार करना हो तो उसके दाना कैसे आप तैयार कर सकते हैं। इससे पहले भी मैं ये वीडियो बना चुका हूं, लेकिन इस वीडियो में मैं कुछ और अपग्रेड किया हूं, यानी कुछ और भी मटेरियल मैंने इसमें मिलाया है जो ताकि और भी ज़्यादा इफ़ेक्ट करे और बकरी जल्द से जल्द आपका बन जाए, मतलब कि वो जल्द से जल्द तैयार हो जाए। तो आप मेरे सामने कुछ सामान देख रहे हैं, आप ये देख रहे हैं मेरे पास ये जौ का पाउडर है, ये मकई पीला मकई का पाउडर है, ये चोकर है, और ये मेरे पास हिमालय बतीसा का पाउडर है, ये बीच में मेरे पास हल्दी रखा हुआ है, ये मिनरल मिक्सचर है, और ये मेरे पास तीसी का खल है, और ये गुड़ है। तो इस सब से मैं किस तरह से बकरी का दाना तैयार करता हूँ वो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आप मेरे साथ मेरे चैनल पे बने रहिए और वीडियो स्किप न करें दोस्तों, पार्ट बाय पार्ट स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊँगा जो आपके काम की ही बातें हैं। मैंने इससे भी पहले इसी का वीडियो बनाया है, लेकिन इसमें मैंने क्या क्या नहीं डाला था ये देखिए। उस दाने में मैंने हल्दी नहीं डाला था, मिनरल मिक्सचर नहीं डाला था और खल नहीं डाला था। तो ये तीनों चीज़ मैं इसमें ऐड करके और इसे मैंने और भी अपग्रेड कर दिया है। तो उसमें मैंने प्रैक्टिकल करके नहीं बताया था कि दाना कैसे आप बना सकते हैं, मैंने बताया था कि क्या क्या मटेरियल कितना पड़ेगा। आज मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाऊंगा दोस्तों कि अगर आप अपने बकरी का दाना तैयार करना चाहते हैं तो किस तरह से आप कर सकते हैं। मेरे साथ मेरे चैनल पे बने रहिए दोस्तों, आज मैं आपको दिखलाने जा रहा हूँ कि आप अपने दाना को किस तरह से बना सकते हैं। आप ये देख रहे हैं दोस्तों, मैंने एक ये टब लिया है और इसमें मैंने हाफ लीटर पानी रखा हुआ है, आप ये देख सकते हैं हाफ लीटर पानी है, और मैं इसमें 50 ग्राम गुड़ को मिलाऊंगा। इस पानी के अंदर मैं 50 ग्राम गुड़ को मिलाऊंगा। आप ये देख रहे हैं दोस्तों, ये 50 ग्राम मैंने गुड़ लिया है जिसे हम लोग मीठा भी बोलते हैं। अब इस गुड़ को इस पानी के अंदर मिक्स कर लेंगे हम। आप ये देख सकते हैं दोस्तों, मैंने ये हाफ लीटर पानी लिया है, आधा लीटर पानी में मैंने ये 50 ग्राम गुड़ को मिला लिया है। अब इस पानी के अंदर मैं तीन चीज़ डालूंगा दोस्तों, हल्दी, मिनरल मिक्सचर और हिमालय बत्तीसा। आप हल्दी का गुण जानते ही हैं दोस्तों, मैं आपको हल्दी का गुण भी बताता हूँ। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं ये मैं हल्दी इसके अंदर 1.5 चम्मच, एक छोटा सा चम्मच आप देख सकते हैं, इतना बड़ा चम्मच है, इसमें 1.5 चम्मच में हल्दी इसमें ऐड कर दूंगा। 1.5 चम्मच दोस्तों, 1.5 चम्मच ये हल्दी, 1 चम्मच मैंने डाल दिया था और आधा चम्मच और डाल रहा हूँ। आप हल्दी का गुण जानते ही हैं, ये एंटीबायोटिक का काम करता है दोस्तों, आपके बकरी के एंटीबायोटिक का काम करेगा, जिसमें आपका बकरी का इम्यूनिटी पावर बढ़ा देगा, बकरी शरीर छोड़ देगी, बकरी कभी बीमार नहीं पड़ेगी। अगर ये हल्दी मिला हुआ आपका कोई भी पाठी खाती है तो उसका उसके अंदर के अगर बच्चेदादी में कोई प्रॉब्लम है, कोई इन्फेक्शन है, वो सब दूर हो जाएगा, उसके अंदर का गर्भाशय साफ हो जाएगा, उसका इम्यूनिटी बढ़ जाएगा, बकरी हमेशा चमकती हुई रहेगी, स्वस्थ रहेगी। इसीलिए दोस्तों मैं हल्दी देता हूँ कि मेरा बकरी का इम्यूनिटी बढ़े, बकरी मेरा शरीर छोड़ दे और कभी बीमार ना हो। उसके बाद आप देख रहे हैं दोस्तों, ये हिमालय बतीसा है। हिमालय बतीसा आप जानते ही है, ये पाचन टॉनिक है जो बकरी का हाजमा को सही रखता है। मैं दाना में इसलिए मिलाता हूँ ताकि मेरे बकरी को आफड़े का कोई भी प्रॉब्लम ना हो, उसका हाजमा हमेशा सही रहे, उसका हाजमे में कोई प्रॉब्लम ना हो, और उसका लीवर टॉनिक भी इससे, यानी उसका लीवर भी सही रहता है। इसीलिए मैं अपने बकरी को हिमालय बतीसा देता हूँ ताकि उसका हाजमा में कोई प्रॉब्लम ना हो या फिर उसका अफाड़ा का कोई प्रॉब्लम ना हो। इसीलिए दाने में आप 2 चम्मच हिमालय बतीसा को ऐड कर ले। ये देखिए दोस्तों, मैंने 2 चम्मच ऐड कर दिया। हिमालय बतीसा डालने के बाद दोस्तों आप ये देख रहे हैं, मैं ये 1.5 चम्मच मिनरल मिक्सचर डालूँगा। आप जानते हैं मिनरल मिक्सचर का यूज क्या है, बकरी के अंदर जो भी प्रॉब्लम होगी, यानी कि उसके अंदर के जो भी विटामिन की कमी होगी, ये मिनरल मिक्सचर उसे पूर्ति कर देगा। इसीलिए आप दाना में 1.5 चम्मच मिनरल मिक्सचर को भी ऐड कर ले, ताकि आपके बकरी के अंदर के जो भी कमी होगी, जो भी उसका मान कि इम्यूनिटी या फिर उसका अंदर का जो भी विटामिन सब कमी होगी, वो इसको दूर कर देगा। इसीलिए अपने दाना में मिनरल मिक्सचर को भी ऐड करें। तो मैंने इस पानी के अंदर क्या क्या ऐड किया है दोस्तों, मैंने हल्दी डाला है 1.5 चम्मच, और मैंने इसमें हिमालय बतीसा 2 चम्मच डाला है, और मिनरल मिक्सचर मैंने इसमें
तीन चम्मच डाला है। अब ये सब को मैं इसमें मिला के घोर लूँगा। आप देख रहे हैं दोस्तों, मैंने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसके अंदर आधा केजी मकई डालूँगा, जो मेरा चून पाउडर है, मैं आपको दिखलाता हूँ। तो आप ये देख सकते हैं दोस्तों, ये मैंने एक नपना बनाया हुआ है। ये मेरा आधा केजी का नपना है। इस आधे केजी के नपने में मैंने ये पीला मकई का पाउडर लिया हूँ, जो इस पानी के अंदर मैं मिक्स करूँगा। इस पानी के अंदर मैं इसे डाल दूँगा। इस पाउडर को मैंने क्या किया, डाल दिया इस पानी के अंदर। आधा किलो मकई का पाउडर है दोस्तों। आपने देखा दोस्तों, मैंने इस पानी के अंदर क्या डाला, आधा किलो मकई। अब मैं इसमें 250 जौ डाल रहा हूँ। आप इसमें क्या डाल सकते हैं, 250 जौ। अब मैंने इसके अंदर 250 जौ भी मिला दिया है। तो 250 जौ भी मिला दिया, आधा किलो मकई भी मिला दिया। अब मैं इसे इससे अच्छी तरीक़ा से मिक्स कर लूँगा, यानी इसको मिला लूँगा। आप देख सकते हैं दोस्तों, मैंने इसे अच्छी तरीक़ा से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसके अंदर एक चीज़ और डालने जा रहा हूँ, खल। जो मेरे पास तीसी का खल है, मैं इसके अंदर 100 ग्राम तीसी का खल को मिला दूंगा। आप ये देख रहे हैं दोस्तों, मैंने ये तीसी का खल लिया है और इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया 100 ग्राम। मैंने 100 ग्राम तीसी का ऐड इसमें खल करके इसको अच्छी तरीक़ा से मिक्सअप कर लूँगा। तो आपने देखा दोस्तों, मैंने इसके अंदर उसे ऐड भी कर लिया है, अच्छी तरीक़ा से मिक्स कर लिया है। आप ये देख सकते हैं, अब ये संपूर्ण दाना तैयार हो गया है। अगर ये दाना आपको सुबह खिलाना है तो आप इसको रात में बनाइएगा, ताकि ये रात भर फूल जाएगा। अगर आपको रात में खिलाना है तो आपको ये सुबह बनाना होगा। अगर सुबह खिलाना है तो रात को बनाना होगा ये दाना आपको, अगर रात को खिलाना है तो सुबह बनाना होगा। मैंने इसमें सारा आइटम डाल दिया। आप ये देख ही सकते हैं दोस्तों कि इसमें मैंने क्या क्या डाला, मकई डाला, जौ डाला है, मैंने इसके अंदर हिमालय बतीसा डाला है, मिनरल मिक्सचर डाला है, हल्दी डाला है और खल डाला है। और एक और चीज़ मैं इसमें डालूँगा, जो ये है चोकर। चोकर का यूज़ मैं कब करूँगा दोस्तों, चोकर का यूज़ मैं सुबह में खिलाते वक्त करूँगा। जैसे कि मैंने ये दाना बनाया और इसे मैंने रात को बनाया और सुबह खिलाना है, तो आप ये देख सकते हैं, मैंने इसे रात में बनाया था, आप ये देखिए, और ये सुबह में इस तरह का हो गया है। मैंने आपको दिखाने के लिए रात को ही बनाया था ये दाना, आप देख सकते हैं। मैंने इसमें कुछ टुकड़ा मुकई भी डाल दिया था। मैंने इसे रात को बनाया ताकि सुबह में इस तरह का हो जाए। तो रात भर ये फूल गया है। अब मैं इसके अंदर चोकर को ऐड करूँगा, ताकि ये कैसा हो जाएगा मैं आपको दिखला देता हूँ। आपको अगर सुबह खिलाना है तो रात को बनाना है, रात को खिलाना है तो सुबह बनाना है। मैंने रात को ही फुला दिया था, मैं सुबह खिलाऊंगा। आप ये देख सकते हैं, इस तरह से ये फूल चुका है। अब मैं इसके अंदर एक और आइटम ऐड करूंगा, चोकर। चोकर जानते हैं दोस्तों, फाइबर का काम करता है, जो आपके बकरी के लिए कितनी ही हेल्दी होगा वो। आप देख सकते हैं दोस्तों, मैंने इसके अंदर इस चोकर को ऐड कर लिया है। आप देख लीजिए, इस तरह से सूखा हुआ दाना तैयार हो जाएगा, आप अपने बकरी को दे सकते हैं। मैंने ये दाना कितना तैयार किया है, मैंने ये दाना 1 केजी 600 ग्राम तैयार किया है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। मैंने इसके अंदर आधा केजी क्या डाला है, मकई डाला है। इसमें 250 मैंने क्या डाला है, जौ डाला है। इसमें मैंने 250 चोकर डाला है, तो 1 केजी तो यही हो गया दोस्तों। और इसमें आधा केजी मैंने पानी रखा था, जो 1.5 केजी हो गया। और मैंने इसके अंदर 100 ग्राम खल मिलाया था, तो जो मेरा दाना तैयार हुआ है 1 किलो 600 ग्राम। और ये टोटल दाना कितने बकरी का है, मैंने ये 8 बकरी का तैयार किया है। मैंने इसके दाना क्या तैयार किया है, 1 किलो 600 ग्राम 8 बकरी का तैयार किया है। और इस दाने को मैं सबको खिला दूंगा। इसका टोटल कॉस्ट मेरे को पड़ा है दोस्तों 31 रुपया। आप चाहे तो 32 रुपया बोल सकते हैं। कैसे, मैं वो भी आपको बतला देता हूँ। मेरा ये जो मकई है, ये मकई मेरा हुआ है आपको 9 रुपया का, 18 रुपये केजी से मैं लाया हूँ खरीद के। आधा किलो का 9 रुपया हो गया। और ये जौ हो गया, मैंने इसे 24 रुपये केजी लाया था, जो 6 रुपये का 250 हो गया। मैंने इसके अंदर ये दोनों आइटम कितने का हो गया दोस्तों, 9 रुपया और 6 रुपया, 15 रुपया। और जो चोकर मैंने डाला था इसके अंदर, मैंने 250 जो चोकर डाला था वो 5 रुपया का था, 20 रुपये केजी के हिसाब से, तो वो हो गया 15 और 5 20 रुपया। 20 रुपया के बाद
₹5 का ये खल 100 ग्राम, ₹50 मैंने केजी लाया था, 100 ग्राम ₹5 का खल मैंने डाला है तो ₹25, और ₹2 का ये हिमालय बत्तीसा 2 चम्मच, या ₹3 पकड़ लीजिए दोस्तों, ₹3 का हिमालय बत्तीसा और ₹3 का मिनरल मिक्सचर, तो ये दोनों मिलके क्या हो गया दोस्तों, ₹6, ₹25 और ₹6, ₹31, और ₹1 का आप हल्दी ले लीजिए, मेरा ₹32 हो गया, और मीठा का भी आप ₹1 पकड़ लीजिए तो ₹33, तो ₹33 में मैंने 1 किलो 600 ग्राम दाना तैयार किया है, और ये 200 ग्राम अगर मैं दाना देता हूँ बकरी को तो आप सोचिए कि वो कितना हेल्दी होगा। अगर हम ₹32 को ₹33 को डिवाइड करते हैं 8 बकरी पे, तो अटका आदमी अचौका 32, मतलब कि एक बकरी का कोस्ट दाना का क्या पड़ रहा है दोस्तों, 4 रुपया। 4 रुपया में आप देख सकते हैं कि कितना संपूर्ण आहार दाना मैंने तैयार किया है। अगर ये दाना अगर बकरी को देते हैं, खस्सी को देते हैं, तो वेट बहुत ही जल्दी गेन करेगा। अगर दुधारू बकरी को देते हैं तो उसका दूध बहुत बढ़ेगा, क्योंकि इसमें हल्दी भी है और इसके अंदर खल भी है, मिनरल मिक्सचर भी है, हिमालय बतीसा भी है, जौ भी है, मकई भी है। अगर आप प्रेग्नेंट बकरी को देते हैं तो इसके अंदर प्रेग्नेंट बकरी का जो बच्चा उसके अंदर जो पलेगा वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग यानी बहुत ही हेल्दी बच्चा उसके अंदर बन के पल के तैयार होगा, और वो डिलीवरी भी हेल्दी ही करेगी। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों, मैंने 4 रुपये में 1 बकरी का दाना तैयार किया है, और कितना ही संपूर्ण दाना तैयार किया है। आप ये देख लीजिए इसमें क्या चीज़ नहीं है बकरी के लिए, जौ नहीं है, मकई नहीं है, हल्दी नहीं है, मिनरल मिक्सचर नहीं है, हिमालय बतीसा नहीं है, गुड़ नहीं डाला है, हर एक चीज़ इसमें मैंने ऐड किया है, चोकर डाला है। तो आप देख ही सकते हैं दोस्तों, अगर ऐसा दाना अगर हम बकरी को या अपने खस्सी को या अपने अंडुल को खिलाएंगे तो उसका वेट क्या गेन नहीं करेगा दोस्तों। आप ये देख सकते हैं, इस दाने का दाम मैंने दिया है 2.0, क्योंकि इस दाने को मैं पहले भी बना चुका हूँ, लेकिन इसमें मैंने 3 चीज़ और भी ऐड किया है नया, जो खल है, हल्दी है और मिनरल मिक्सचर है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, 4 रुपये में मैंने एक संपूर्ण आहार तैयार कर दिया है बकरी के दाने के रूप में, जो मैं 200 ग्राम हर एक बकरी में डिवाइड करके दे सकता हूँ। तो अगर आपको ये 2.0 वीडियो अगर अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को दोस्तों। आपसे यही गुजारिश है, अगर वीडियो अच्छे लगे तो कॉमेंट करके ज़रूर बताएँ, और इसी तरह से मेरा हौसला बढ़ाए ताकि मैं और भी काम की बातें और काम की जानकारी आप सबके लिए लाता रहूं। तो धन्यवाद दोस्तों।